Hello friend and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu newspaper analysis for 7th to 10th of October 2023. 7 se 10 ye jisme Saturday Sunday tha aur abhi Monday aur Tuesday ka analysis hai. है ना, तो वी विल कवरिंग ऑल दैट. जो भी इंपॉर्टेंट हुआ है वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे. सबसे पहला टॉपिक जो है वो है फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट. याद रखिएगा 2023 की फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट रिलीज़ की गई. सबसे पहली बात तो ये रिलीज़ कौन करता है, तो रिलीज़ इसको करता है फ्रीडम हाउस नाम का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. लिख लीजिएगा, इट इज़ रिलीज्ड बाय फ्रीडम हाउस विच इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है ना, 2022 से 23 के लिए रिलीज़ किया गया है. 70 कंट्रीज़ की इंटरनेट फ्रीडम को इसमें इवैल्यूएट किया गया है. इट हैज़ इवैल्यूएटेड द इंटरनेट फ्रीडम इन 70 कंट्रीज़ एंड अकाउंटिंग फॉर नियरली 88% ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेट यूजर्स. ठीक है ना, दैट द रिपोर्ट नेम इज फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट 2023. एक एनुअल सर्वे है जो कि एनालिसिस करता है इंटरनेट फ्रीडम का. अच्छा, इसमें एक जो मेन टर्म यूज़ हुआ है वो यू है डिजिटल रिप्रेशन. तो वो आप लोग लिख लीजिएगा, कभी आपको मेन्स आंसर राइटिंग में यूज़ करना हो तो डिजिटल रिप्रेशन आप यूज़ कर सकते हैं. डिजिटल रिप्रेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कभी कई बार इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं, व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में कई बार बीच में हुआ था, इंस्टाग्राम बंद कर दिया गया, या इस तरह से आपका सर्विलेंस बढ़ा दिया गया है ना, इन ऑर्डर टू क्वेल द एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट एंड एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़. अगर इस तरीके से चीज़ें जो होती हैं, या फिर कई बार नॉट जस्ट टू प्रोटेक्ट बट इन ऑर्डर टू, मतलब कई बार ऐसा भी नहीं होता कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको रोकने के लिए, कई बार गवर्नमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सर्विलेंस एंड फॉर द सेक ऑफ स्नूपिंग या फॉर द सेक ऑफ जस्ट स्टॉपिंग प्रिवेंटिंग एनी वन टू प्रोटेस्ट एंड ऑल, ये कर सकती है. तो इस चीज़ को हम बोलते हैं डिजिटल रिप्रेशन. सबसे ज़्यादा जो डिजिटल रिप्रेशन देखा गया वो ईरान में देखा गया है ना. अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ईरान विटनेस द शार्पेस्ट राइज इन द डिजिटल रिप्रेशन. ईरान में बहुत ज़्यादा है. इसके अलावा चाइना जो है वर्ल्ड्स वर्स्ट फॉर 9 स्ट्रेट ईयर्स फॉलोड बाय म्यांमार. सबसे बुरा हाल चाइना का था, और ज़्यादा बुरा हाल उसके बाद फिर म्यांमार का था, है ना. ऑल दिस थिंग्स वर हैपनिंग. इंडिया में अगर हम देखें तो इंडिया स्कोर्ड 50 ऑन द रैंकिंग स्केल एंड 4 सेंसरशिप इसमें हमारे इंडिया में यूज़ किए गए हैं. सेंसरशिप के 4 मेथड्स यूज़ किए गए एक्सेप्ट फॉर द VPN ब्लॉकिंग, है ना. तो 4 सेंसरशिप मेथड्स भी हमारे यहाँ यूज़ किए गए. तो ये थी आपकी रिपोर्ट. अगला जो टॉपिक है वो है AIBD की रिकॉर्डिंग. AIBD क्या है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट. एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट. तो अभी रिसेंटली इंडिया को इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस. याद रखेगा AIBD यानी कि एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, इसका एक जो इंडिया है उसको इलेक्ट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर द थर्ड सक्सेसिव टर्म. तीसरे सक्सेसिव टर्म के लिए इंडिया को सेलेक्ट किया गया है. अब इसमें हम बात कर लेते हैं पहले AIBD की. तो AIBD एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. क्या है AIBD? रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट के फील्ड में काम करती है. किस फील्ड में काम करती है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट के फील्ड में काम करती है. एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 1977 अंडर द ऑस्पाइसेस ऑफ यूनेस्को. यूनेस्को के अंतर्गत इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1977 में. ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम इसकी बात करें तो ऑब्जेक्टिव्स हैं टू एक्ट एज अ विंडो फॉर रीजनल पॉलिसी मेकर्स टू एक्सेस वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन, टू एस्टैब्लिश इंटर रीजनल लिंक्स एंड कोऑपरेशन, टू एक्ट एज एन एजेंट ऑफ चेंज इन डेवलपिंग रीजनल IT इन्वायरमेंट. तो देशों में IT इन्वायरमेंट को डेवलप करना, रीजनल पॉलिसी मेकर्स के लिए एक विंडो की तरह काम करना, है ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट की रिलेटेड बॉडी है, तो उसी से रिलेटेड काम भी करेगी. बात करते हैं हम इसको फाउंड किसने किया. तो फाउंडर ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो AIBD की फाउंडर ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जिसको ITU बोलते हैं, और दूसरा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको UNDP बोलते हैं. ठीक है ना, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन हो गया और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया. इसके अलावा यूनेस्को तीसरी बॉडी है, यूनेस्को जिसकी जो तीन ये हैं ये फाउंडर ऑर्गेनाइजेशंस हैं. वोटिंग की अगर हम बात करें तो फाउंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉन वोटिंग मेंबर्स टू द जनरल कॉन्फ्रेंस. जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं दे आर नॉन वोटिंग मेंबर्स ऑफ द जनरल कॉन्फ्रेंस. रीजन की बात करें तो जैसे इसमें UNSCAP यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक उस रीजन में काम करता है. मेंबर्स की बात करें तो 26 फुल मेंबर्स हैं जो कि रिप्रेजेंट होते हैं बाय 43 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस एंड 50 अफिलिएट मेंबर्स होते हैं. ठीक है ना, 26 फुल मेंबर्स हैं, 50 अफिलिएट मेंबर्स हैं, 43 मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सेक्रेटेरिएट इसका गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया होस्ट करता है एंड सेक्रेटेरिएट लोकेटेड कहाँ पर है, कुआलालंपुर में. बात कर लेते हैं इंडिया और AIBD की बात कर लेते हैं. ठीक है ना, तो AIBD और इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ AIBD.
प्रसार भारती मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ इंडिया एट AIBD. तो इंडिया जो है एक फाउंडिंग मेंबर है AIBD का, और प्रसार भारती मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो है वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है इंडिया की एट द AIBD. ठीक है ना, ये दो चीज़ें आप याद रखिएगा. अगला जो टॉपिक है वह है नोबेल प्राइज़ फॉर पीस 2023. तो 2023 के नोबेल प्राइज़ पीस की बात कर लेते हैं. तो 2023 का जो नोबेल पीस प्राइज़ है वो अवार्ड किया गया है ईरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को. याद रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी को अवार्ड दिया गया है फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल. ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, याद रखिएगा 2023 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है ईरानियन एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को फॉर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम टू ऑल. ठीक है ना, नरगिस मोहम्मदी की बात करें तो इंजीनियर थी पहले, टर्न्ड एक्टिविस्ट एंड ह्यूमन राइट्स एडवोकेट है. शी बिकेम द सेकेंड ईरानियन वुमेन, दूसरी ईरानियन वुमेन बनी है आफ्टर शिरीन इबादी. 2023 में शिरीन इबादी को दिया गया था एंड अभी इनको दिया गया. 19th वुमेन भी बनी, ओवरऑल 19th वुमेन इसको नोबेल प्राइज दिया है, 19th वुमेन टू रिसीव द प्राइज. है ना, सेकेंड ईरानियन है शिरीन इबादी एंड के बाद नरगिस मोहम्मदी. तो ये इनकी फोटो है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी. अगले टॉपिक पे आते हैं, सांची द हिस्टोरिक होम ऑफ द स्तूपा. सांची स्तूप आप सब जानते हैं, काफ़ी फेमस है. तो सांची जो है वो पहली सिटी बन गई है इंडिया की, द सोलार सिटी, इंडियाज फर्स्ट सोलार सिटी. सांची जो है वो इंडिया की पहली सोलार सिटी के रूप में बनी है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. फीचर्स की अगर हम बात करें तो 5,572 सोलर पैनल्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 4.98 हेक्टेयर्स जो है वो यह है. इंटायर सोलर प्रोजेक्ट इन सांची विल रिड्यूस नियरली 14,304 टन्स ऑफ CO2 पर ईयर. इट करेंटली इंक्लूड्स 3 MW सोलर प्लांट दैट केटर्स टू द सिटीज एनर्जी नीड्स. है ना, तो सिटी के एनर्जी नीड को केटर करता है ये. एंड तो ये प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश में इनिशिएट किया गया है. एंड सांची बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सोलार सिटी के रूप में डेवलप हुई है. वंस कंप्लीटेड सांची विल बिकम एनर्जी सरप्लस. तो ये तो इंपॉर्टेंट थी, है ना. तो ये लगभग 7 तारीख का आपका एनालिसिस है. आगे और आगे की न्यूज़ देख लेते हैं. आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो अभी इवेंट हुआ पिछले 3-4 दिन में, आपको पता होगा इसराइल इज एट वॉर एट एज हमास हैज़ अटैक देम. तो इसराइल जो है वॉर की स्टेट में है, आपको पता होगा ये चीज़. एंड थोड़ा सा हम हमास और गाज़ा की बात कर लेते हैं, गाज़ा स्ट्रिप जहाँ पर ये पूरा अटैक हुआ था. गाज़ा इज़ बेसिकली होम टू अबाउट 2 मिलियन पीपल. ठीक है ना, इट इज़ होम टू अबाउट नियरली 2 मिलियन पीपल. एंड गाज़ा इज़ नियरली 41 किलोमीटर, 41 किलोमीटर का ये एरिया है लेंथ में एंड 10 किलोमीटर का वाइड एरिया है. एंड इट इज़ एन इनक्लेव बाउंडेड बाय द मेडिटेरेनियन सी, इसराइल एंड इजिप्ट. इसको बाउंड कौन कौन से एरिया करते हैं, तो गाज़ा स्ट्रिप को बाउंड करने वाले एरियाज हैं द मेडिटेरेनियन सी, इसराइल एंड इजिप्ट. अब गाज़ा में जो टेंशन हुए हैं, तो गाज़ा स्ट्रिप की अगर बात करें, ओरिजिनली ये ऑक्यूपाइड था इजिप्ट के द्वारा, फिर गाज़ा को कैप्चर कर लिया था इसराइल ने 1967 में जब मिडिल ईस्ट वॉर हुआ था, जब मतलब सारे कंट्रीज जो अगल बगल थे उन्होंने इसराइल पे वॉर डिक्लेयर कर दिया था. फिर 1973-74 तक इनके कंट्रोल में था. उसके बाद 1973 में एक अकॉर्ड होता है जिसको हम आई थिंक देर वॉज अ अकॉर्ड बिटवीन दीज इस्लामिस्ट नेशंस एंड इसराइल, जिसके बाद उन्होंने उस बीच का जो पट्टी है गाज़ा पट्टी जिसको अब हम बोलते हैं उसको छोड़ दिया था. तो नाउ वहाँ पे सेटलर्स को भी 2005 में हटा दिया इन्होंने. ठीक है ना, तो अभी ये प्रेजेंटली मिलिटेंट इस्लामिक ग्रुप जो हमास है उसके अंतर्गत आता है. लेट मी शो यू द मैप, पहले एक बार अपन देख लें उसकी लोकेशन थोड़ा सा. तो अगर ये पूरा आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ द एरिया, दिस इज़ गाज़ा स्ट्रिप. गाज़ा स्ट्रिप आपको दिख रहा होगा मैप में, यहाँ पे ये इजिप्ट है नीचे, इधर आपको इसके ईस्टर्न साइड में इसराइल दिख रहा होगा पूरा, और गाज़ा में अल नजलाह, जबलिया, दयार अल बलाह, खान यूनिस, रफा, ये नाम की जगहें दिखेगी. तो ये प्लेसेस भी आप याद रखिएगा. ये छोटा मैप भी उसका है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं इजिप्ट नीचे है, इसराइल इधर है गाज़ा स्ट्रिप में, और ऊपर इधर मेडिटेरेनियन सी, जिसको मैंने आपको बताया था कि तीन कौन कौन सी जगहों से ये सराउंडेड है. ठीक है, तो ये मैप की लोकेशन थी. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट. समझ में आ गया होगा. आगे मूव करते हैं, GST काउंसिल अफर्म्स 28% टैक्स ऑन ऑनलाइन बेटिंग. ऑनलाइन बेटिंग में 1 अक्टूबर से 28% का टैक्स लगेगा. यहाँ पे अनाउंस किए गए कुछ डिसीजंस में, जैसे कि एक एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल इन लिकर प्रोडक्शन कैप्ट आउटसाइड GST, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है लिकर में वो GST के बाहर रहेगी. और ब्लेंडेड फ्लोर विद एटलीस्ट 70% मिलेट्स मेड टैक्स फ्री वेन सोल्ड लूज. तो अगर फ्लोर में 70% मिलेट्स मिलाएंगे तो वो टैक्स फ्री रहेगा. एंड मोलासेस पे लेवी स्लैश की गई
फ्रॉम 28% टू 5%, है ना। तो थोड़ा एक ऑर्गेनिक की तरफ जाने का और मिलेट्स की तरफ यूज़ बढ़ाने के लिए पूरा प्रावधान किया गया है। जीएसटी काउंसिल, आप सबको पता होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 279A के अंतर्गत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट के पास पावर दी गई थी कि टू कॉन्स्टिट्यूट अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स कॉल्ड जीएसटी काउंसिल। इसमें यूनियन फिनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन रहते हैं और यूनियन मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू फिनेंस ये सब मेंबर रहते हैं, मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फिनेंस टैक्सेशन ये सब भी रहते हैं। जीएसटी काउंसिल इज इन, तो जीएसटी काउंसिल एक एपेक्स कमेटी जो कि मॉडिफाई रिकनसाइल या रिकमेंडेशन दे सकता है टू द यूनियन स्टेट्स ऑन जीएसटी, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। एंड जीएसटी काउंसिल के जितने भी डिसीजंस होते हैं सब कंसेंसस बेस्ड रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेगा, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो कि हमको डिस्कस करने थे इन दिनों में, तो यू कैन मूव अहेड विद मी। यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ और है ऐसा। यहाँ पे एक आर्टिकल आया था कि हमास ने क्यों लॉन्च किया सरप्राइज अटैक ऑन द इजराइलीज, तो बहुत सारे रीजंस हैं इसके अटैक के। सबसे पहले जो अटैक है 1973 का रेमिनिसेंट है, मतलब याद दिलाता है योम किपूर वॉर का। योम किपूर वॉर हुआ था जो कि इसराइल के ऊपर ये इजिप्शियन सीरियन ट्रूप्स आ गए थे, उन्होंने अटैक कर दिया था, योम किपूर वॉर बोलते उसको, याद रखेगा। एंड वहाँ पर फिर इसराइल ने पूरा कैप्चर कर लिया था, इसराइल ने, है ना, इनको हरा दिया था, सारी पावर्स को हरा दिया था। अब रीजंस क्या क्या हैं, सबसे पहले बात तो पैलेस्टीन ऑब्वियसली आता है, पैलेस्टीन इसराइल का जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेरिएट हुए हैं, वो एक सबसे बड़ा रीज़न है, जो पहला रीज़न है वो है इनका। इसके अलावा इसराइल जो है उसने जेरूसलेम में अल अक्सा मॉस्क है उसके ऊपर रेड कर दी थी। इस्लाम का थर्ड होलीएस्ट प्लेस है वर्शिप का, ये अल अक्सा मॉस्क जो है जेरूसलेम की, तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रिगर कर दिया था इसने इशूज़ को। इसके अलावा हमास जो है दे आर ट्राइंग टू कैच द पब्लिक अटेंशन आल्सो, एंड दे आल्सो वांट टू ट्राई द, मतलब पब्लिक एंगर को भी यूज़ करना चाहते हैं कि जो इसराइल का ऑक्यूपेशन है पैलेस्टीन के ऊपर उसके अगेंस्ट मतलब मूव करने के लिए। इसके अलावा इसराइल इज आल्सो गेटिंग थ्रू अ डिफिकल्ट फेज, आपको पता होगा कंट्री इज रूल्ड बाय इट्स मोस्ट राइट विंग गवर्नमेंट हुज की डोमेस्टिक एजेंडा इज टू ओवरऑल द स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर। तो अभी वहाँ पर भी लोगों का सेंटीमेंट जो था थोड़ा गवर्नमेंट के अगेंस्ट था, क्योंकि वो लोग जुडिशरी को चेंज करना चाहते थे ताकि उनकी पावर रिटेन कर सके वो लोग, है ना। तो ऑल दीज थिंग्स वर हैपनिंग एंड यहाँ पे वो हमास उसी पे प्ले करना चाहता था। एंड लास्टली इट इज अनलाइकली टू बी कोइंसिडेंस एज हमास अटैक केम व्हेन इजराइल एंड सऊदी अरेबिया आर इन एडवांस्ड स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। और बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि इसराइल जो है वो सऊदी अरेबिया के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है, और ऐसे में ये अटैक होना महज एक इत्तेफाक नहीं है, ये किसी न किसी चीज की मतलब उसको रोकने के लिए एक कहना चाहिए एक कोशिश है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द रीजंस व्हाई हमास डिड द अटैक। आगे देख लेते हैं क्या है। अभी FSSAI एनालाइजिंग टी सैंपल्स टू डिसाइड द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, ये तो इम्पॉर्टेंट इतना नहीं है। उड़ान स्कीम आप सबको पता है, पायलट पॉसिटी, अब जो कि इशू आया है वो है पायलट्स की पॉसिटी, यानी कि पायलट्स की कमी, है ना। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई बहुत ज़्यादा हमारे पास एयरक्राफ्ट्स और ये फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं, एरोप्लेन्स फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया हालांकि अभी थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट है, एंड उड़ान स्कीम जो कि है उड़े देश का आम नागरिक, जो कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है कि RCS जिसको हम बोलते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है जो अनकनेक्टेड एरियाज हैं वहाँ पर एरोप्लेन को ले जाने के लिए, ठीक है ना। द हार्ड ट्रूथ इज मिसमैच बिटवीन एयरक्राफ्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रू, तो एयरक्राफ्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रू में देयर इज अ डिफरेंस, एंड उस कारण से काफ़ी ज़्यादा मिसमैच जो है वो हमको देखने को मिला है। एंड इट इज़ ईजियर टू गेट प्लेन्स देन पायलट्स, यहाँ पे ऑथर का कहना है इट इज़ ईजियर टू गेट प्लेन्स देन पायलट्स, तो पायलट्स की कमी जो है बहुत बड़ा एक रीज़न है। नॉर्वेजियन राइटर जॉन फोसे को इस बार नोबेल प्राइज दिया गया था लिटरेचर के लिए, उसका उनके कुछ वर्क्स हैं यहाँ पे, एक है रेड ब्लैक, नॉवेल है रेड ब्लैक, याद रखेगा 1983 में पब्लिश हुई थी, है ना, तो ये आप एक याद रख सकते हैं। एंड एक प्ले है इनका द नेम, देयर इज अ प्ले द नेम, ये भी आप देख लीजिए। एक न्यूज़ आर्टिकल यहाँ पे दिखेगा, नाउ अ मोर एफिकेशियस इनएक्सपेंसिव मलेरिया वैक्सीन, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने एक वैक्सीन डेवलप की जिसका नाम है R21 Matrix-M वैक्सीन। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसमें यही कि ये वैक्सीन किसके है, मलेरिया की वैक्सीन है, R21 Matrix-M मलेरिया वैक्सीन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने डेवलप किया है, मैन्युफैक्चरर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा इट इज़ येट टू बी प्री क्वालिफाइड बट हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय WHO on 2nd of October, तो इसको आप याद रखिएगा। तीन कंट्रीज जो है उसने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया वैक्सीन को फॉर चिल्ड्रन एज लेस देन 36 मंथ, उनमें से तीन कंट्रीज हैं नाइजीरिया, घाना और बुर्किना फासो, जो आपकी वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उन्होंने इसको अभी स्टार्ट किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैक्सीन एफिकेसी एट द एंड ऑफ वन ईयर इन चिल्ड्रन एज 5 to 36 months वॉज 75%, तो काफ़ी अच्छा चांसेस के रूप में इसको लिया गया और कहा गया कि ठीक है भैया इसको आगे बढ़ाओ।
अगली न्यूज़ एक और थी, गंगा घाघरा बेसिन कैनल्स पोज अ थ्रेट टू द डॉल्फिन्स। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में ये न्यूज़ थी कि गंगा घाघरा बेसिन जो है किस तरीके से गैंगेटिक डॉल्फिन्स को नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि जो ये पूरा स्ट्रेच है यहाँ पे जो डैम्स एंड बैरेजेस बने हुए हैं, दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ हैवॉक ऑन दिस हैबिटेट ऑफ द गैंगेटिक डॉल्फिन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी है। थोड़ा सा मैं इस न्यूज़ आइटम में आपको गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में सारी चीज़ें बता दूँ। पहले घाघरा नदी की बात कर लेते हैं। घाघरा नदी को कर्नाली रिवर भी कहा जाता है नेपाल में, ठीक है ना, याद रखिए। इसको कर्नाली रिवर भी कहा जाता है, माप्चा सांगपो कहा जाता है तिब्बत में, और लोअर घाघरा कहा जाता है इन अवध, एंड सरयू रिवर कहा जाता है इसको। ये पेरिनियल ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो कि ओरिजिनेट होती है नदन स्लोप्स ऑफ द हिमालयाज इन द तिब्बतन प्लेटू में, कट्स थ्रू द हिमालयाज इन नेपाल एंड जॉइन द शारदा रिवर एट ब्रह्मघाट। ठीक है, तो शारदा रिवर को ज्वाइन करती है। टुगेदर जब ये शारदा रिवर के पास मिल जाती है ना, तो उसके बाद ही ये फिर क्या बन जाती है आपकी घाघरा बोलते हैं, और फिर ये मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गैंजीज ऑल्सो, तो गंगा के साथ ही मिलती है फिर। ठीक है, बात करते हैं अगर हम गैंगेटिक डॉल्फिन की, तो साइंटिफिक नेम इसका है प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका, याद रखिएगा प्लैटेनिस्टा गैंगेटिका इसका साइंटिफिक नेम है। ऑफिशियली डिस्कवर की गई थी 1801 में। गैंगीज रिवर डॉल्फिन लिव इन द गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना एंड कर्णफुली गंगा रिवर सिस्टम इन नेपाल इंडिया बांग्लादेश, ये तीन एरियाज में ज़्यादा पाए जाते हैं। गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन कैन ओनली लिव इन फ्रेश वाटर एंड इज एसेंशियली ब्लाइंड, केवल और केवल ये फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, एसेंशियली ये ब्लाइंड होते हैं ज़्यादातर। तो ये भी आपको बता दूं, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। इसके अलावा द पॉपुलेशन ऑफ गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन इज 1200 to 1800, 1200 से 1800 के बीच में इसकी पॉपुलेशन है, और इट्स अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ ऑफ द इंटायर रिवर इकोसिस्टम, है ना, तो रिलायबल इंडिकेटर है हेल्थ ऑफ द इंटायर इकोसिस्टम का। नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसको 2009 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा माना गया है। थोड़ा सा ये चीज़ें हो गई। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो यहाँ देखो हिंदू में भी आया था, तो रिवर गैंगजीज रिवर डॉल्फिन इज इन शेड्यूल वन, इट इज़ इन शेड्यूल वन ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, अपेंडिक्स वन ऑफ द साइट्स, यानी कंजर्वेशन और इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज के भी अपेंडिक्स वन में आता है, एंड अपेंडिक्स वन ऑफ द CMS यानी कि जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज के भी अपेंडिक्स वन में आता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड द नेशनल एक्वेटिक एनिमल एंड इट इज लिस्टेड एज इंडेंजर्ड ऑन द IUCN रेड लिस्ट, तो IUCN रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज। अगली न्यूज़ भी देख लेते हैं। UGC टू ट्रेन ओवर 1000 टीचर्स टू टीच द इंडियन नॉलेज सिस्टम फ्रॉम डिग्री लेवल, तो डिग्री लेवल का UGC जो है 1000 टीचर्स को टीच करेगी इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में। अच्छा, इंडियन नॉलेज सिस्टम सबसे पहली बात है क्या? इंडियन नॉलेज सिस्टम हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो हमारा फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है, कर्मा धर्मा ये सारी फिलोसफीज जो हैं ये सारी हमको इंडियन नॉलेज सिस्टम या हमारा जो कल्चरल पास्ट है या हमारा जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसका नॉलेज है। ठीक है, तो ये क्यों पढ़ाया जाएगा सबसे पहले 1000 टीचर्स को? तो क्योंकि UGC जो है वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये चीज़ लिखी गई है कि जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसके बारे में बताया जाना है। ठीक है ना, अच्छी बात है। अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ें, मैं आपको थोड़ा टर्म्स यहाँ पे कुछ लिखे हैं। जैसे पहला है परंपरा यानी ट्रेडिशन, एरियाज जो कवर होंगे परंपरा इज ट्रेडिशन। सेकंड इज दृष्टि यानी पर्सपेक्टिव, दृष्टि मतलब पर्सपेक्टिव। एंड तीसरा है लौकिक प्रयोजन मतलब मॉडर्न रेलिवेंस, लौकिक प्रयोजन बोलते हैं। तो ये जो है परंपरा, दृष्टि और लौकिक प्रयोजन, ये जो है ये पार्ट्स हैं ऑफ द एंशंट इंडियन नॉलेज सिस्टम। इसके अलावा फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, बेसिकली जैसे प्री 14th सेंचुरी जो हमारी वैदिक फिलॉसफी है या दर्शन शास्त्र कहना चाहिए जो है वो पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कर्म और धर्मा जो है वो थर्ड पार्ट में कवर होंगे। फोर्थ पार्ट में बेसिकली टीचर्स को टीचिंग कैसे करानी है, टीचिंग ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो हमारा एंशेंट इंडियन नॉलेज सिस्टम है उसमें पढ़ाया कैसे जाता है, यानी कि तंत्र युक्ति जिसको कहा जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ये जो टर्म्स मैंने बोले वो आप बस इतना याद रखना, लिख लेना। यहाँ पे आपको एक न्यूज़ दिखेगी, इसरो प्लान्स गगनयान अनमैन्ड फ्लाइट टेस्ट गियर्स फॉर अबॉर्ट मिशन। अच्छा, अबॉर्ट मिशन क्या होता है? देखो मैं आपको बता दूँ, चार एस्ट्रोनॉट्स हैं जो मतलब चार लोग हैं जो कि ट्रेनिंग ले रहे हैं गगनयान मिशन के लिए, क्योंकि क्रूड मिशन रहेगा हमारा, क्रू मिशन रहेगा ना, जिसमें लोग भी जाएंगे। तो ये क्रू मिशन का क्या होता है, एक फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन होता है, TVD-1 जिसको बोलते हैं, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन। इसमें क्या होता है, क्रू एस्केप की जाती है, मतलब कि फ्लाइट से क्रू को निकाला जाता है, एस्केप मिशन होता है। तो ये मैं यहाँ देखो लिखा भी है मैंने, हालांकि
एबॉट मिशन डिमॉन्स्ट्रेट्स द परफॉर्मेंस ऑफ द क्रू एस्केप सिस्टम, जो क्रू एस्केप सिस्टम लगा होता है इस पूरे उसमें उसका टेस्टिंग किया जाता है ना, तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। 4 एस्ट्रोनॉट्स अंडरगो कर रहे हैं गगनयान मिशन की स्पेसिफिक ट्रेनिंग, उसी का क्रू स्पेस मिशन है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। कल के एडिटोरियल में एक इंपॉर्टेंट टर्म आया था, मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे, तूफान अल अक्सा। अब देखो पूरा आर्टिकल, हालांकि इसराइल हमास और उनके ऊपर ही था ये, लेकिन इसमें जो चीज़ें बताई गई थी वो थी, वो क्या थी वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तूफान अल अक्सा मतलब अल अक्सा फ्लड, जो कि एक ऑपरेशन है हमास ने जो ऑपरेशन किया अभी रिसेंटली ब्लिट्ज़क्रीग का, उसके ऊपर है ये। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा, तूफान अल अक्सा के। एक न्यूज़ आई थी, व्हाट कॉज्ड द फ्लड इन सिक्किम। कभी रिसेंटली जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हो, आप यूपीएससी दोगे या एमपीपीएससी या स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम देते हो, कई बार ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, या तो मेंस में आ जाता है, डायरेक्टली पूछ लेता है 10 नंबर 3 नंबर में, या फिर आपसे प्रिलिम्स में पूछा था। तो देखो इसका कॉज जो था वो था ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट है ना, लेक में जो था वो आउटबर्स्ट था, और इस कारण से वहाँ पे चुंगथांग डैम था, चुंगथांग डैम जो कि मतलब काफ़ी डिसफंक्शनल हुआ, और उसमें उस कारण से थोड़ा सा जो फ्लड लाइक सिचुएशन थी वो। तो टेक्निकली जो टर्म है इसके लिए वो क्या टर्म है, टेक्निकली द टर्म इज ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड बोलते हैं इसको। एंड दीज आर द इंस्टेंसेस ऑफ लार्ज लेक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स सडनली ब्रेकिंग फ्री ऑफ देयर मोरेन्स। जब सडनली जो होता है जो लार्ज लेक्स बन जाती हैं बिकॉज ऑफ द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर, जो ग्लेशियल आइस है उसके मेल्टिंग से जो लेक्स बन जाती हैं उनमें जो मोरेन्स रहता है अगर वो लूज हो जाए या सडनली जो है वो फ्री हो जाए, तो वो जो पूरा डेबरी है वो कॉज करता है आपका फ्लड लाइक सिचुएशन। यहाँ पे जो लेक हम जो ग्लेशियर की बात कर रहे हैं उसको वो है लोनाक ग्लेशियर या लोनाक ग्लेशियर, लोनाक लेक जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। एंड इट इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम में लोकेटेड है। एंड द ग्लेशियर रिसीडेड नियरली, इट हैज़ रिसीडेड अ लॉट, नियरली 2 किलोमीटर्स इन लास्ट 46 ईयर्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये, इंपॉर्टेंट इसका जो रीज़न है मेन है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, दीज आर द इंस्टेंसेज ऑफ लार्ज लेक्स फॉर्म from the melting of glaciers suddenly losing breaking free of their moraines. Moraines की बात है तो moraines जो है they are huge amount of rocks and dirt that have been pushed. क्या होता है जब आपके साथ बर्फ पिघलती है ना, बर्फ पिघलने के साथ साथ उसके साथ क्या होता रहता है कि बर्फ़ के साथ साथ आपका उस बहुत सारे डेबरी, डर्ट, डस्ट, पत्थर, ये पेबल्स, ये सब भी आते रहते हैं। अब ये अलग अलग से साइड में अगर आ रहे हैं तो लेटरल मोरेन हो जाएगा, बीच में अगर आ रहे हैं तो मीडियल मोरेन हो जाएंगे, तो अलग अलग टाइप के मोरेन्स कहलाते हैं बेस्ड ऑन दैट। अब समझ लो ये अगर फ्री हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है फिर ये क्या कॉज करेगा, ये प्रॉब्लम्स कॉज करेगा फिर, यानी वही प्रॉब्लम है जैसे जो कि फिर फ्लड और इन सब सिचुएशंस में आती है। अगला है, हाउ द डिजिटल इंडिया एक्ट विल शेप द फ्यूचर ऑफ कंट्रीज साइबर लैंडस्केप। अब ये जो न्यूज़ है ये है डिजिटल इंडिया एक्ट के रिगार्डिंग। डिजिटल इंडिया एक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अभी रिसेंटली ट्राई किया है कि वो अपने जो रीसेंट अनाउंसमेंट ऑफ द डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स एस्टैब्लिशिंग अ फ्यूचर रेडी लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द कंट्रीज डिजिटल इकोसिस्टम। तो कंट्री का डिजिटल इकोसिस्टम बढ़ रहा है, ये बात आप जानते हैं। अब ये डिजिटल इकोसिस्टम जितना बढ़ता जा रहा है उसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा एक प्रेशर भी बढ़ रहा है कि हम अपने डिजिटल इकोसिस्टम को मॉनिटर करें या उसको रेगुलेट करने की कोशिश करें। अब रेगुलेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए डिजिटल इंडिया एक्ट लाया जाएगा। अब डिजिटल इंडिया एक्ट आएगा तो क्या करेगा, इट विल रिप्लेस द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2000, आईटी एक्ट 2000 को ये रिप्लेस करेगा। डिजिटल इंडिया एक्ट आईटी एक्ट 2000 को रिप्लेस करेगा। एंड जो उसमें चैलेंजेस थे, ऑब्वियस सी बात है वो टाइम सिंक्रोसाइंक्ट नहीं था, टाइम के साथ सिंक में नहीं था ये डिजिटल इंडिया सॉरी आईटी एक्ट 2000, क्योंकि 2000 में आया था, 22 साल में तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो मोटिवेशन इसका है कि 21st सेंचुरी की जो डिमांड है, डिजिटल रिवोल्यूशन जो हुआ है, उन सबको हैंडल करते हुए किस तरीके से हम मॉनिटर कर सकते हैं उसके ऊपर है ये। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या की प्रोविजंस है, तो यहाँ पे देख लेते हैं की प्रोविजंस ऑफ द डिजिटल इंडिया एक्ट ऑफ 2000 ऑफ दिस 2023। तो देखो की प्रोविजंस की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो है, फर्स्टली देखो लिखा है, इट प्लेसेस अ स्ट्रांग एम्फेसिस ऑन ऑनलाइन सेफ्टी एंड ट्रस्ट विद द कमिटमेंट टू सेफगार्डिंग सिटीजन्स राइट्स इन द डिजिटल रेल्म। तो डिजिटल रेल्म में लो जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी सेफगार्ड करना, प्राइवेसी को, उनके ट्रस्ट को, उनकी सेफ्टी को, ये सब सबसे पहला एम रहेगा बेसिकली। एंड इट प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन दैट, है ना।
सेकेंडली इट रिकगनाइजेज द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजीज, जैसे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, ब्लॉकचेन हो गई, तो DIA जो है हमारा डिजिटल इंडिया एक्ट जो है हमारा, वो रिकगनाइज करता है कि भाई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं एंड इट एम्स नॉट ओनली इनकरेजिंग द अडॉप्शन ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज बट ऑल्सो टू इंश्योर दैट द डिप्लॉयमेंट इज इन लाइन विद एथिकल एंड लीगल प्रिंसिपल्स. तो ये नहीं कह रहा कि नई टेक्नोलॉजीज मत लाओ, ये कह रहा भाई नई टेक्नोलॉजीज लाओ लेकिन उसके साथ साथ आप उसको बेसिकली एथिकली और लीगली ऑपरेट करो. DIA डज नॉट लीव इट टू द मार्केट टू डिक्टेट द कोर्स, मतलब कि वो मार्केट के ऊपर नहीं छोड़ना चाहता डिजिटल इंडिया, उसके लिए वो खुद एथिकल और डिजिटल जो नॉर्मल प्रिंसिपल्स है वो बनाना चाहता है. ठीक है. थर्डली इट अपहोल्ड्स द कंसेप्ट ऑफ एन ओपन इंटरनेट. तीसरा पॉइंट इसका ये कि ओपन इंटरनेट का जो कंसेप्ट है उसको अपहोल्ड करता है एंड बैलेंस बनाना चाहता है बिटवीन एक्सेसिबिलिटी एंड नेसेसरी रेगुलेशंस टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट द यूजर्स. इसके अलावा डिजिटल इंडिया एक्ट ऑल्सो मैंडेट्स स्ट्रिंजेंट नो योर कस्टमर्स रिक्वायरमेंट. नो योर कस्टमर रिक्वायरमेंट को स्ट्रिंजेंट करने की बात करता है. ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है. एंड इसके अलावा क्रिमिनल लॉ के सैंक्शंस भी एकम्पनीड हैं इसके साथ साथ. ठीक है ना. Lastly, it contemplates the review of the safe harbor principle. It contemplates the review of, मतलब जो safe harbor principle चलता है उसका review करवाने की बात करता है. मतलब कि safe harbor principle क्या होता है? Safe harbor principle जो है वो shield करता है online platforms को from liability related to user generated content indicating a potential shift in online accountability standards. क्या होता है? Online platform बोल देते हैं कि भैया online जो भी चीज़ें आ रही है उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं, उसके लिए यूज़र जिम्मेदार है. है ना, तो ये सेफ हार्बर प्रिंसिपल यही होता है कि भैया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिम्मेदार नहीं रहेगा कुछ भी उनमें आता है. तो ये जो है डिजिटल इंडिया एक्ट में उसका रिव्यू करने की बात की जा रही है, कॉन्टेम्पलेटिंग रिव्यू ऑफ दिस सेफ हार्बर प्रिंसिपल. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ये भी आपको समझ में आ गया होगा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. ये था पूरा. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन एयरफोर्स हैज अनवील्ड अ न्यू इंसिग्निया एज इट मार्क्स द 91st एनिवर्सरी. तो 91st एनिवर्सरी मार्क करने के लिए इसका नया इंसिग्निया देखो. इंडियन एयरफोर्स अनवील्ड इट्स न्यू इंसिग्निया एट द एनुअल एयरफोर्स डे परेड एट प्रयागराज. एंड इस इंसिग्निया की अगर हम बात करें तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जो है उन्होंने ये इंसिग्निया रिलीज करवाया है. एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट कल ये भी चल रही थी कि जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन टेक बोर्ड एग्जाम्स वंस और ट्वाइस अ ईयर. नाउ दिस इज एक्चुअली मैंने आपको पढ़ाया भी हुआ ये चीज़ पहले भी, कि जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है जो इस बार मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन NCERT ने डिक्लेयर किया है, हमारा उस करिकुलम फ्रेमवर्क में ये चीज़ लिखी हुई है साफ साफ कि या तो एक बार भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और दो बार भी दे सकते हैं. ट्विन एग्जाम्स जो हैं दे आर इंट्रोड्यूस एज एन ऑप्शन टू रिड्यूस द स्ट्रेस अमंग द स्टूडेंट्स. क्या होता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि भैया एक ही मौका मिल रहा है साल में, एक ही बार है ऐसा, तो उस कारण से वो जो प्रेशर है एक बार का ना उसको दूर करने के दो एग्जाम है. बेस्ट ऑफ टू का कंसेप्ट है, IIT JEE का भी बेस्ट ऑफ टू का कंसेप्ट रहेगा, इसका भी बेस्ट ऑफ टू का कंसेप्ट रहेगा, ताकि लोगों को ये ना लगे कि पूरा साल बर्बाद होगा, छः छः महीने में रिपीट होगी चीज़ें, तो ज़्यादा बेटर रहेगा. आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. ठीक है ना. तो ये NCERT में मैंशनड है एंड स्टूडेंट्स हमेशा अमूमन इसमें IIT एग्जाम्स और इन सबको लेकर के वो रहते हैं कि भैया ऐसा होगा, दिक्कत में रहते हैं. प्रे बेस हैबिटेट डिक्टेट एशियाटिक वाइल्ड डॉग टाइगर को एग्जिस्टेंस. अब यहाँ पे बात चल रही है एशियाटिक वाइल्ड डॉग्स की. क्यूऑन एल्पाइनस लिख लो ना इसको, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है क्यूऑन एल्पाइनस. इसको बोलते हैं ढोल या फिर एशियाटिक वाइल्ड डॉग. क्या बोलते हैं? ढोल या फिर एशियाटिक वाइल्ड डॉग. इट इज़ द ओनली इंडेंजर्ड वाइल्ड पैक लिविंग कैनिड इन द ट्रॉपिकल इंडियन फॉरेस्ट एंड इज कंसिडर्ड एज एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. ढोल जो है यानी कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग जो है क्यूऑन पाइनस जो है वो कंसीडर्ड होता है, इट इज़ द ओनली इंडेंजर्ड वाइल्ड पैक लिविंग कैनिड इन द ट्रॉपिकल इंडियन फॉरेस्ट एंड इज कंसीडर्ड एट हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है. एंड अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि ढोल या एशियाटिक जो वाइल्ड डॉग्स हैं उनके एक्सटिंक्शन को नुकसान पहुंचा रहे हैं. वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? जैसे डिक्लाइनिंग प्रे अवेलेबिलिटी, परसिक्यूशन, डिसीजेज, इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, इंटरस्पेसिफिक इन कॉम्पिटिशन, दे हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू द ऑन गोइंग फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पॉपुलेशन. तो जो ढोल की पॉपुलेशन है वो इन कारणों से, यानी कि डिक्लाइनिंग प्रे अवेलेबिलिटी, परसिक्यूशन, डिसीजेज एंड इंटरस्पेसिफिक कॉम्पिटिशन जो है, इंटरस्पीसीज जो कॉम्पिटिशन है, उन सब कारणों से काफ़ी ज़्यादा इसको नुकसान पहुँच रहा है. तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल. इसके अलावा बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट फ्लैग्स द नीड फॉर अ डिपेंडेबल कोड ऑफ पुलिस इन्वेस्टिगेशन. तो सुप्रीम कोर्ट ने
रीसेंट जजमेंट में हाईलाइट कहा है, किया है और कहा है कि भाई कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी ज़रूरत है टू प्रिवेंट पुलिस लैप्सेस। क्या होता है कई बार पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में, जैसे इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, उसमें सारी डिटेल्स रहती हैं, सारे विटनेस और ये सारी चीज़। अब अगर आपने इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने सही नहीं किया तो कई बार क्या होगा कि जो मतलब ज़रूरी मतलब जो सज़ा देनी है, जिस कन्विक्ट को देना है, अक्यूज को देना है, वो नहीं दे पाते, क्योंकि आप ऑब्वियस सी बात है आपने अगर सही से नहीं की है सारी चीज़ें तो वो दिक्कत होगी। अब इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रीसेंट जजमेंट में भैया कि आप एक डिपेंडेबल कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनाओ और उस कोड ऑफ इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आगे बढ़ो, तभी जा करके आपका जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर हो पाएगा और चीज़ें हो पाएंगी। इसी के रिगार्डिंग एक मालिमथ कमेटी की रिपोर्ट है, आप लोग लिख लीजिए मालिमथ रिपोर्ट। मालिमथ रिपोर्ट जो है बेसिकली जस्टिस वीएस मालिमथ कमेटी ने दी थी, एंड इट इज़ अ रिपोर्ट, इट इज़ अ कमेटी ऑन द रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये कमेटी किसके ऊपर है? रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, एंड इट एम्फसाइज्ड दैट द सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन ऑफ द गिल्टी डिपेंड्स ऑन अ थरो एंड केयरफुल सर्च ऑफ द ट्रुथ एंड कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस विच इज़ बोथ एडमिसेबल एंड प्रोबेटिव। तो इसने काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे एविडेंसेस के बारे में भी की थी, तो आई होप यू विल रिमेंबर दैट एज वेल। मालिमथ कमेटी की रिपोर्ट याद रखें, ऑन द रिफॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। ठीक है, एक टर्म है कल न्यूज़ में था, फोनोटैक्सिस। इट इज़ फोनोटैक्सिस क्या है? तो कई बार आपने जानवर होते हैं कुछ बहुत छोटे से इंसेक्ट्स होते हैं, क्रिकेट्स जिनको कहा जाता है, क्रिकेट्स मतलब कि रात में आपने देखो टर टर या चर 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 की चिरप चिरप करके आवाज़ आती है, तो इवनिंग या फ्रॉक्स की क्रोकिंग साउंड आपने सुना होगा मॉनसून के टाइम में। दे आर वेरी रैंडम, दे आर वेरी अनॉइंग एंड ऑल, है ना। दे हैव अ वेरी गुड रीज़न फॉर मेकिंग दिस साउंड, एंड द रीज़न फॉर दिस साइंटिस्ट्स आर कॉलिंग एज फोनोटैक्सिस। इट इज़ द मूवमेंट बाय एन एनिमल इन रिस्पॉन्स टू अ साउंड, मूवमेंट बाय एन एनिमल इन रिस्पॉन्स टू अ साउंड, एंड मोस्टली ऑब्जर्व्ड अमंग क्रिकेट्स, मॉथ, फ्रॉग्स, टोड्स एंड फ्यू अदर क्रिएचर्स। तो फोनोटैक्सिस दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। पॉजिटिव फोनोटैक्सिस का मतलब होता है जैसे आप फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए करते हो तो पॉजिटिव फोनोटैक्सिस है, और अगर निगेटिव फोनोटैक्सिस है मतलब आप किसी खतरे से बचाने के लिए कर रहे हो, तो फोनोटैक्सिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दैट। एक और टॉपिक था अनरेवलिंग द लिंक्स बिटवीन कंसैंग्युनिटी एंड जेनेटिक डिसीजेस। बस मैं यहाँ पे आपको सिर्फ कंसैंग्युनिटी का मतलब बता देता हूँ। कंसैंग्युनिटी होता क्या है? इट इज़ अ सोशल, मैं आपको चीज़ बता गया, इन द मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल्स रिलेटेड बाय ब्लड। को सैंग्युनिटी जो होता है, कौन सैंग्युनिटी का मतलब होता है, इट इज़ द मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल्स हु आर रिलेटेड बाय ब्लड, है ना, याद रखिएगा। जेनेटिक कंटेक्स्ट में इट मीन्स मैरिज बिटवीन जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स, ठीक है ना, जिसको इनब्रीडिंग भी कहा जाता है, इनब्रीडिंग या फिर जेनेटिकली रिलेटेड जो मैरिजेज होती है उसको कहा जाता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग कौन सैंग्युनिटी, सबसे पहले तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अभी रिसेंटली साइंटिस्टों ने जो है वो क्वांटिफाई करने की कोशिश की है रिलेटेडनेस बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स एज अ परसेंटेज ऑफ जेनेटिक मटीरियल शेयर्ड बिटवीन देम। तो कितना जेनेटिक मटीरियल शेयर करते हैं, उसके बाद अगर हम उनको क्रोमोसोम्स को मिक्स एंड मैच करते हैं जैसे मैरिज में होता है, उसके बाद वो अगर को ब्रीड करने की कोशिश करते हैं तो उसमें क्या क्या जेनेटिक डिसीजेज और सबका खतरा है, वो सारी चीज़ें हैं। देखो साफ साफ लिखा है वो कौन सैंग्युनिटीज अनडिजायरेबल अमंग ह्यूमंस, बट साइंटिस्ट वाइडली वील्ड द प्रिंसिपल ऑफ मेटिंग बिटवीन रिलेटेड ऑफस्प्रिंग्स टू ब्रीड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है ना। तो ये प्लांट्स एंड एनिमल्स में जरूर कराते हैं साइंटिस्ट, लेकिन इट इज़ अनडिजायरेबल अमंग द ह्यूमंस। अब आते हैं आज के न्यूज़पेपर में, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हम आज भी डिस्कस करेंगे। 5 स्टेट्स के चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना में 5 स्टेट्स के होने वाले हैं, एंड नवंबर से दिसंबर के बीच में पूरे इलेक्शंस हो जाएंगे। एग्जाम ही है ये, पॉलिटिशियंस के एग्ज़ाम होते हैं ये। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। क्लाउडिया गोल्डिन को इनाम मिला है, 2023 का इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज मिला है फॉर रिसर्च ऑन वर्कप्लेस जेंडर गैप। याद देखिएगा, वर्कप्लेस जेंडर गैप के कारण के स्टडी के लिए जो क्लाउडिया गोल्डिन है, क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है 2023 का इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज। इट इज़ ऑन द रिसर्च ऑन वर्कप्लेस रिलेटेड जेंडर गैप, ठीक है ना। तो नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज अवार्डेड टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन, एंड
रिसर्च दैट हैज एडवांस्ड हर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द जेंडर गैप इन द लेबर मार्केट. लेबर मार्केट में जेंडर गैप क्यों है इसकी पूरी स्टडी जो है उस कारण से दिया गया है. एंड शी हैज स्टडीड नियरली 200 ईयर्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्क प्लेस शोइंग दैट डिस्पाइट कंटिन्यूड इकोनॉमिक ग्रोथ वुमेन पे डिड नॉट कंटिन्यूसली कैच अप. तो इन्होंने ये कहा है बेसिकली कि वुमेन्स की जो मतलब पे है शी स्टडीड 200 ईयर्स ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन द वर्क प्लेस. वुमेन का पार्टिसिपेशन पढ़ा वर्क प्लेस में एंड डिस्पाइट कंटिन्यूड इकोनॉमिक growth women's pay did not continuously catch up with the men's hai na and the divide is still there hai na. So all these things are there. बात करते हैं आज एडिटोरियल्स की. तो दो एडिटोरियल आज हम डिस्कस करेंगे. पहला है द साइलेंस अराउंड द स्टेट सीजर ऑफ इंडिया प्रेस. यहाँ बात चल रही न्यूज़ क्लिक की. आप सबको पता है न्यूज़ क्लिक के जो रिपोर्टर्स हैं एग्जीक्यूटिव्स उनको अरेस्ट किया गया था रिसेंटली यूएपी के अंतर्गत. कहा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्रमोट करते हो. एंड ऑथर का ये कहना है कि ये जो है इंटरफेरेंस इन द जर्नलिज्म है. इट इज़ इंटरफेरेंस इन द फ्रीडम ऑफ प्रेस. इट इज़ इंटरफेरेंस इन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इट इज़ इंटरफेरेंस इन द प्रेस फ्रीडम. ऑल दीज थिंग्स आर देयर जो कि हैम्पर हो रही हैं. तो दिस इज़ वॉट हैज़ बिन सेड. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑथर का कहना है, ऑथर कहना है कि इंडिया की जो रैंक है 161 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज अगर हम देखें प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड रैंक. एंड ये दिखाती है कि हम कितना ज़्यादा अपने यहाँ की प्रेस को सर्विलेंस और इन सब के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस में रखते हैं. तो ऑथर का ये कहना है, ठीक है ना. और ऑथर का ये भी कहना है कि अभी लोक नीति CSDS का अभी एक सर्वे किया गया था जिसमें कहा गया कि 47% इंडियंस को ये लगता है कि पुलिस जो है उनके फ़ोन्स को एक्सेस कर सकती है, करती है बिना कंसेंट के, है ना. तो मतलब इतने लॉज के होने के बाद भी जनरल पब्लिक के बीच में अगर ये दिमाग में है कि पुलिस उनके ऊपर एक सर्वेलेंस करके रखी हुई है या उनको उनकी बातें सुन रही है, ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, तो ये एक सही चीज़ नहीं है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मतलब पीपल. एंड ऑथर का ये कहना है कि ये जो चीज़ है ये दिखाता है कि हमारे यहाँ एक पुलिस स्टेट जैसा एक सिस्टम कुछ बन रहा है या फिर इतना ज़्यादा सर्वेलेंस स्टेट का सिस्टम जो है वो बन रहा है. एंड दिस इज़ वेरी डिस्टर्बिंग क्योंकि हमारे इंडिया में KS पुट्टास्वामी केस आप ले लो जो कि राइट टू प्राइवेसी या राइट टू फ्रीडम इन सब की बात करते हैं, इन सब चीज़ों के बावजूद. ऑथर ने कहा भाई कुछ जजमेंट भी ऐसे हैं, जुडिशरी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि क्यों इस समय मतलब इतना ज़्यादा सर्वेलेंस टॉर्चर लेजिटिमेट हो गया. क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट था वीरेंद्र खन्ना वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में, जिसमें कर्नाटका हाईकोर्ट ने यह कहा कि अगर आप इंडिविजुअल को अरेस्ट करते हो तो आप उसको कोअर्स कर सकते हो फॉर अनलॉकिंग देयर स्मार्टफोन. मतलब एक तरीके से आपने लॉ का सैंक्शन दे दिया ना, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सनल डेटा. आप उनके डेटा को एक्सेस करने के लिए आप उनको वो दे रहे हो, है ना. एंड इंडियन जर्नलिस्ट ऑल्सो एक उनको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से जुडिशरी जो है वो क्वाइट हो चुकी है, जुडिशरी शांत है. चाहे वो मतलब स्टेट्स में इंटरनेट बंद करने से लेकर के, चाहे वो इतने सारे जर्नलिस्ट को अरेस्ट करने से लेकर के, इतने सारे NGOs को बंद करना हो, ऑल दिस थिंग्स आर देयर जो कि दिखा रही है कि जुडिशरी जो है वो शांत हो गई है. प्रॉब्लम्स जो हैं वो अवॉइड होने से काम नहीं चलेगा. हमारा देश जो है, इसका ऑथर का कहना है कि वो एक तरीके की मतलब क्या बोलूँ, एक तरीके की उनका डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म से गुजर रहा है. This is what the author says. ठीक है ना. तो I hope you got clarity. दूसरा जो आर्टिकल है वो है मेंटल हेल्थ एंड द फ्लाउंडरिंग इनफॉर्मल वर्कर्स. यहाँ बात चल रही है अभी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब होता है, 10 अक्टूबर को होता है. आज के दिन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब होता है, 10 अक्टूबर को. एंड यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट जो है वो थीम है इस बार. मेंटल हेल्थ एज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट की बात की गई है. ऑथर ने कहा कि एक ऐसा सेगमेंट है जिसके मेंटल हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर किया गया है, वो सेगमेंट है इनफॉर्मल वर्कर्स का, जो कैजुअल वर्कर्स का, दिहाड़ी मजदूर और ये सब जो है इनफॉर्मली जो वर्क कर रहे हैं उनका. क्योंकि इनफॉर्मल वर्कर्स मतलब ना उनको कोई सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, ना उनको हेल्थ बेनिफिट आप दे रहे हैं, ना वो उनको आप तरीके से एक तरीके से रेपुटेशन मिल रही है, वो एक तरीके से अननोन की तरह ही सरवाइव कर रहे हैं. तो ऑथर का वही कहना है कि बहुत बड़ा सेगमेंट है जो कि ILO का ये कहना है कि 15% ऑफ द वर्किंग एज एडल्ट्स ग्लोबली लिव विद अ मेंटल डिसऑर्डर. 15% वर्किंग एज एडल्ट्स जो हैं ग्लोबली वो मेंटल डिसऑर्डर के साथ जी रहे हैं, है ना. अब ऑथर का कहना है कि ऑब्वियसली बात है डिसेंट हेल्थ वर्क कंडीशन अगर होंगी, डिसेंट वर्किंग कंडीशंस या डिसेंट वर्किंग एनवायरमेंट अगर होगा तो ये उनकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करेगा, एक
अच्छा वर्क कल्चर अगर होगा, बट इनफॉर्मल वर्कर्स को ही कुछ भी नहीं मिल पाता है ना। हमारी वर्किंग पॉपुलेशन का 90% जो पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल वर्क फोर्स है, आप समझ लीजिए, जहाँ पे कोई भी रेगुलेटरी प्रोटेक्शन या सेफगार्ड्स काम नहीं करते, उनको लॉन्ग आवर्स में काम करना पड़ता है, उनको कोई फाइनेंशियल प्रोटेक्शन नहीं मिलती है, उनको डीप अनसर्टेनिटी के साथ गुजरना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। इसके अलावा जेंडर पैरिटी भी है काम के ऊपर, वुमेन्स को इतना और कम लो पेमेंट मिलती है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस बहुत प्रिकैरियस हैं, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। ऐसे में ऑथर का ये कहना है कि उनका जो जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं उनकी किस तरीके से आप मेंटल कंडीशन सुधार सकते हैं उसके ऊपर प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, इससे उनकी मेंटल कंडीशन ज़रूर और ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे वो लोग, है ना। तीसरा जो सेगमेंट ऑथर ने उठाया है कि किसको मेंटल इश्यूज ज़्यादा हैं, वो है एल्डर, जो एल्डरली एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन है, जो एल्डरली पॉपुलेशन, एल्डर होना अपने आप में, सेनाइल होना अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे रोगों को लाता है, फिर ऐसे में भूल जाना, अल्जाइमर्स, स्किज़ोफ्रेनिया, है ना, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। तो ऑथर का ये कहना है कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो भी पोस्ट रिटायरमेंट भी बहुत सारा इनफॉर्मल वर्क करती है, और उनके भी हम सोशल सिक्योरिटी या मेंटल हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं। एंड ऑथर का ये कहना है कि इनका एक स्ट्रेस का कारण ये भी है क्योंकि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, जेब से निकल के खर्चा होने वाला पैसा बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम इनको प्रोवाइड कर सकें, फ्री में इनका इलाज कर सके, प्लस एम्प्लॉयमेंट गारंटी अगर हम इनको दे सकें, जैसे एक जो स्कर्सिटी या सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है ना, वो भी अपने आप में मेंटल वर्क प्रेशर क्रिएट करता है, तो हम इनको किस तरीके से सिक्योरिटी ऑफ दैट दे सकते हैं, ये सब भी हमको सोचने की आवश्यकता है। तो ऑथर ने ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस किया, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं आज जो डिस्कस करने हैं। अगला जो आर्टिकल है वो है रिगार्डिंग द शेड्यूल्ड एरियाज़। तो सबसे पहले बात चल रही है शेड्यूल्ड एरियाज़ की, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज़ की। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़, शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ जो है वो आर्टिकल 244 के अंतर्गत है, आर्टिकल 244 के अंतर्गत, ठीक है ना। सबसे पहले इंडिया में 705 शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ हैं, देखो लिखा भी है 705 शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ हैं, और दे मेक अप नियरली 8.6% ऑफ द कंट्रीज़ पॉपुलेशन, कंट्री की पॉपुलेशन का 8.6% जो है वो बनाती हैं, ठीक है ना। एंड दे लिव इन 26 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज, 26 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज में रहती है पॉपुलेशन। आपको बता दूं आर्टिकल 244(1) जो है प्रोवाइड्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ 5th शेड्यूल्ड प्रोविजंस टू द शेड्यूल्ड एरियाज नोटिफाइड इन एनी स्टेट्स अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, क्योंकि ये 6th शेड्यूल्ड स्टेट में आते हैं, है ना। एंड ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब देखो शेड्यूल्ड एरियाज़ क्या हैं। तो शेड्यूल्ड एरियाज़ कवर नियरली 11.3% ऑफ इंडियाज लैंड एरिया, और 10 स्टेट्स में ही नोटिफाइड है। 10 स्टेट्स कौन कौन से हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है। एंड इन 2015 केरला प्रपोज टू नोटिफाई 2133 हैबिटेशंस, 5 ग्राम पंचायत्स एंड 2 वार्ड्स इन 5 डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, 10 स्टेट्स तो आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात, ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र एंड हिमाचल प्रदेश ऑल्सो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हु डिसाइड्स अ शेड्यूल्ड एरिया, कौन डिसाइड करता है शेड्यूल्ड एरिया को। तो फिफ्थ शेड्यूल जो है वो कन्फर करती है पावर एक्सक्लूसिवली टू द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर एनी एरिया टू बी द शेड्यूल्ड एरिया। जो फिफ्थ शेड्यूल है वो पावर डिक्लेयर करता है किसको, पावर देता है प्रेसिडेंट को टू डिक्लेयर एनी एरिया टू बी अ शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है ना। एंड 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी हेल्ड किया था दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज इज एन एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड इट डजंट पजेस द एक्सपर्टीज टू scrutinize the empirical basis of the same। तो author ने यही बताया कि fifth schedule किस तरीके से president को power देता है। इसके अलावा आपको बता दूं scheduled areas identify करने के लिए क्या कोई criteria है, तो simple ज़्यादा constitution नहीं provide करता। याद रखिए constitution में कहीं नहीं लिखा है कि कैसा area होगा identify as a scheduled area। हालांकि धेबार commission report है, याद रखिएगा 1961 में एक धेबार commission थी जिसने 1961 में एक धेबार commission report दी थी जिसमें कहा था कि भैया अगर आपको decide करना है किसी area को as शेड्यूल्ड एरिया तो आपको उसमें प्रीपोंडरेंस ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, कॉम्पैक्टनेस एंड रीजनेबल साइज ऑफ द एरिया, वायबल एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी सच एज अ डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और तालुक, आई थिंक तालुक ही होगा यहां पे, लेट लेट इट ओपन,
तो यहाँ देखो लिखा है ब्लॉक और तालुक, यहाँ पे देखो लिखा है एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ द एरिया। तो ये सारे जो रीजंस हैं इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और ये सारी जो चीज़ें हैं उन सबको देखने के बेसिस पे ही आप किसी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हो। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी। एक न्यूज़ है, श्रीलंका विल टेक द चेयर एज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन चेयर। तो यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग इंडिया, बांग्लादेश, मॉरिशियस, ईरान, मलेशिया, साउथ अफ्रीका जो है पार्टिसिपेट होंगे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में 11 अक्टूबर 2023 को इन कोलंबो। एंड चेयर जो है अब कौन टेक ओवर करेगा, श्रीलंका केयर करने वाली है। 1997 में एस्टैब्लिश किया गया था इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन एज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, है ना, जो कि इंडियन ओशन में लाई करते हैं। एंड इसके मेंबर्स जो हैं वो अफ्रीका से भी हैं, वेस्ट एशिया से भी हैं, साउथ एशिया से भी हैं, साउथ ईस्ट एशिया से भी हैं एंड ओशियानिया से भी हैं, ठीक है ना, ये सब आपको याद रखना है। एंड एसोसिएशन मेंबरशिप हैज एक्सपेंडेड टू 23 मेंबर स्टेट्स एंड 11 डायलॉग पार्टनर्स, ये आपको याद रख सकते हैं ये चीज। इसके अलावा इंडिया एंड श्रीलंका विल लॉन्च अ लॉन्ग पेंडिंग फेरी सर्विस कनेक्टिंग नागपट्टिनम इन तमिलनाडु एंड कनके संथुरई इन द नदन प्रोविंस ऑफ श्रीलंका। तो याद रखिएगा, नागपट्टिनम तमिलनाडु में एंड कनके संथुरई नदन प्रोविंस ऑफ श्रीलंका में, इनको कनेक्ट करने के लिए फेरी सर्विस लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा IORA के बारे में थोड़ी चीज़ें मैं आपको बता दूँ, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में, रीजनल फोरम के रूप में था लेकिन इंटर गवर्नमेंटल था। 23 मेंबर स्टेट हैं इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कॉमरोस, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव्स, मॉरिशियस, मोजाम्बिक, ओमान, सीशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, UAE एंड यमन। एंड इट्स सेक्रेटेरिएट इज बेस्ड इन साइबर सिटी इबीन मॉरिशियस में इसका सेक्रेटेरिएट है, वो भी आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स, ये सब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, प्लीज़ रिमेंबर दैट। आगे देख लेते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल जिनके बारे में को डिस्कस करना है, तो यू कैन मूव हेड विद मी। यहाँ पे IRDAI इश्यूज नॉर्म्स ऑन बीमा वाहक के लिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है इंश्योरेंस सेक्टर की, उसने गाइडलाइंस निकाले हैं। बीमा वाहक क्या है, दे आर वुमेन सेंट्रिक डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स टू इन्हेंस इंश्योरेंस इंक्लूजन विद अ फोकस ऑन रूरल एरियाज। तो बीमा वाहक क्या है, बेसिकली दे आर वुमेन सेंट्रिक डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, वुमेन सेंट्रिक डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं जो कि चाहते हैं कि इंश्योरेंस का इंक्लूजन हो सके और वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर इंक्लूड किया जा सके, ठीक है ना। एंड दे विल प्ले अ की रोल इन प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एक्सेसिबल इंश्योरेंस कवर टू ऑल, स्पेशली द वुमेन्स, ठीक है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। So that is it for the day. This is all we are going to discuss today. That is it. Thank you and have a nice day.